हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मलाई चिकन ग्रेवी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये चिकन आप ज़रूर बना के ट्राई करके देखें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और अगर आप नए हैं मेरी चैनल पे, तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। 500 ग्राम चिकन लिया है मैंने यहाँ पे, जिसको नमक आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट कर लीजिए। मैरिनेट करके इसे आप आधा घंटा रख दें। फिर एक पैन में मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, जिसे गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। ये जब गर्म हो जाए, फिर आप इसमें 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज डाल के इसे लाइट पिंक कलर होने तक फ्राई करें। प्याज का कलर ये देखिए लाइट पिंक कलर हो चुका है। फिर आप गैस ऑफ कर दीजिए और इसे मिक्सर के जार में डाल के इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना ले। मिक्सर के जार में मैंने प्याज को डाल दिया है, अब इसे पेस्ट बनाना है। जिस पैन में मैंने प्याज को फ्राई किया था, इसी पैन में थोड़ा सा और ऑयल ले लिया है। फिर इसमें आप बे लीव्स यानी कि तेज पत्ता, छोटी इलायची इसे आप डाल दें। फिर आप इसमें पिसी हुई ऑनियन पेस्ट भी इसमें ऐड कर दें और इसे थोड़ा देर फ्राई करें। प्याज को फ्राई करने के टाइम जब ये 2 से 3 मिनट फ्राई हो जाए, फिर आप इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल के मसाले को अच्छे से फ्राई करें। मसाले को बहुत अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है। फिर आप इसमें सारे चिकन के पीसेस, जिसे हमने मैरिनेट करके रखा था, इसमें ऐड कर दें। चिकन के पीसेस ऐड करने के बाद इसे आप बहुत अच्छे से मसाले के साथ चिकन को फ्राई करें। यहाँ पे मैंने 10 से 12 काजू लेके इसका ग्राइंड करके इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया है। चिकन को बहुत अच्छे से मैंने फ्राई कर दिया है, ये देखिए इसका ऑयल भी अलग से दिख रहा है। फिर आप इसमें ग्राइंड किया हुआ काजू पेस्ट इसमें डाल दें। 1 से 2 मिनट इसे फिर से फ्राई करें। काजू पेस्ट के साथ मैंने चिकन को 2 मिनट फ्राई कर लिया है। अब आप इसमें 1 कप ऐसा मिल्क ऐड कर दें। फिर आप इसे गैस को सिम पे करके लीड लगा के 5 से 7 मिनट सिम पे पकने के लिए छोड़ दें। 5 मिनट के बाद एक बार लीड को ओपन कर लीजिए और एक बार देख लीजिए आप पानी की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि चिकन को सॉफ्ट होने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। फिर से आप लीड लगा के इसे सिम पे चिकन को सॉफ्ट होने तक पकने के लिए छोड़ दें। 10 मिनट बाद आप लीड को ओपन करके एक बार देख ले चिकन सॉफ्ट हुआ है या नहीं। फिर आप इसमें 1 चम्मच घी या बटर ऐड कर दे। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च डाला है। मिर्ची का क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेश क्रीम मैंने 3 चम्मच इसमें ऐड कर दिया।
और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक चम्मच कसूरी मेथी भी इसमें ऐड कर देना है। आप चाहे तो कसूरी मेथी स्किप भी कर सकते हैं। फिर आप इसे थोड़ा देर और पकने दें और इसे बिल्कुल सीम पे इसे पकने के लिए छोड़ दें। सीम पे 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसमें मैंने आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। गरम मसाला डाल के मैंने इसे 1 से 2 मिनट पका लिया है और ये हमारा मलाई चिकन बनके रेडी है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।